गाइज, अब आप अपने मैथ के किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री अपने व्हाट्सएप पे। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप लिंक दिया है, जाइए उस लिंक पे क्लिक कर व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। और अगर आपको कोई भी मैथ का क्वेश्चन फंसा हुआ है तो उसका अच्छे से फोटो लेकर उसको अच्छे से क्रॉप करके उस व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ वालों के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। जी हाँ गाइज, ये न्यूमेरिकल आपके पीएच मान से संबंधित है, जैसा कि मैंने अपना एक पिछला वीडियो बनाया था, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि पीएच मान क्या है, पीएच मान की परिभाषा बताया था। तो उसमें काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि भाई इसका न्यूमेरिकल बताओ। तो गाइज, इसका न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे तो टेंथ में ज़्यादा न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में देखने को नहीं मिलता है, इसी लेसन में कुछ थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखने को मिलता है और कुछ उधर भी मतलब कुछ और मिलता है, मतलब काफ़ी थोड़ा मिलता है, लेकिन ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलकर अगर मान लीजिए आप अगर आगे चलकर मतलब लाइक पॉलिटेक्निक का एग्जाम देते हैं या आईटीआई या कुछ भी मतलब एग्जाम देते हैं जिसमें केमिस्ट्री आती है, ठीक है, तो उसमें पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले कहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता एक, ठीक है, 1.0 लिखने का मतलब वही एक, ठीक है, 1×10^4 मोल प्रति लीटर। देखिए यहाँ मोल प्रति लीटर को मैंने हाईलाइट किया है, इसका मतलब क्या, आप लोग याद रखिएगा कि H+ आयनों की सांद्रता यानी सांद्रता है, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। शायद आपने 9वीं कक्षा में सांद्रता के बारे में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग जानते होंगे कि सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांद्रता के बारे में आप लोग डिटेल में आगे पढ़ोगे, ओके। तो सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर हो तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, सांद्रता 1×10^4 मोल प्रति लीटर हो तो उसका पीएच मान तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी हमें उसका पीएच मान भी ज्ञात करना है और प्रकृति भी ज्ञात करनी कि वो कैसा है, लाइक अम्लीय है, क्षारीय है कि लवणीय है, ठीक है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो वो क्या होता है कि क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 हो, ठीक है, वो क्या होता है कि लवणीय होता है। तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे मैं इसको हल यहाँ लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे पीएच मान इक्वल टू -log(x)10, ठीक है। तो गाइज आप लोग याद रखिएगा, पीएच मान इक्वल टू -log(10) होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स मैं लिखा हूँ, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको फार्मूला में बताया था। देखिए एक्स के जगह आपका एच प्लस आयन भी रह सकता है और ओ एच रीड आयन भी रह सकता है, यानी हम यहाँ से देखिए एच प्लस आयनों की सांद्रता के थ्रू हम पीएच मान निकाल सकते हैं और ओ एच रीड आयन होता है तो उसकी भी सांद्रता के अनुसार हम उसका पीएच मान निकाल सकते हैं, इसलिए होता है। नहीं तो अगर सीधे इसका फार्मूला लिखे इसके लिए तो हम लिखेंगे सीधे पीएच मान इक्वल टू -log(h+)10, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ ओ एच दिया हो तो यहाँ ओ एच लिखेंगे और ओ एच आप लोग जानते हो कि रिडायन होता है। अब देखिए यहाँ उसकी प्रकृति ज्ञात की, तो सीधे यहाँ आप लोग देखिए कि लिख रहा है कि किसी विलयन एच प्लस आयनों की सांद्रता इतनी है, तो जब एच प्लस आयन यहाँ कह दिया तो आप सब लोग जानते हो कि जिसमें एच प्लस आयन होता है वह क्या होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ इसकी सीधे प्रकृति ज्ञात हो गई कि वह विलयन अम्लीय होगा, ओके, यानी उसका पीएच मान 7 से कम ही आएगा ये निकालेंगे तो। और मान लीजिए किसी क्वेश्चन में इसको छिपा देता है, मतलब H+ आयन नहीं लिखता है, ठीक है, ऐसे मतलब लिख देता है कि किसी विलयन में आयनों की सांद्रता 1×10^-4 इस तरह का देता है, ठीक है, लेकिन अधिकांशतः H+ कहता है, ठीक है, और ये उसकी प्रकृति ज्ञात करने को नहीं पूछता है, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया है इसी क्वेश्चन में, ओके। तो चलिए ये हम लोग का -log(x)10 हो गया, ओके। अब देखिए हम लोग का एक्स का जगह हम लोग का H+ आयन हो जाएगा, ओके, तो -log(h+)10, ओके। और देखिए ये क्वेश्चन में ही दिया है जहां log(1)10 का मान 0 है और log(10)10 का मान 1 है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे तो इसमें इसका उपयोग कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ये क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है, यहाँ जगह नहीं बचा इसलिए मैं नीचे लिख दिया हूँ। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ हम H+ का मान रख लेते हैं, H+ का मान हमें 1×10^-4 दिया हुआ है तो यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, तो 1×10^-4 H+ का जब हमने रख लिया और ये आधार 10 है तो 10। अब देखिए अगर हम माइनस को बाहर ले लेते हैं तो हम लोग का एक फार्मूला बनेगा log(a)(b) का, और आप लोगों ने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा log(a)(b) का फार्मूला, log(mn) के रूप में पढ़ा होगा कि
कि लॉग एम इंटू एन का फार्मूला क्या होता है, इस रूप में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि लॉग एम एन का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉग एम प्लस एन, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको हम लॉग एम प्लस एन के रूप में तोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए एम एक है और एन क्या है, 10^-4 है, ओके। तो हमने माइनस को इसको बाहर ले लिया और इसको लॉग एम एन के फार्मूले पर हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इस माइनस को तो हमने बाहर ले ही लिया, अब देखिए लॉग एम एन है, ठीक है। तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा, तो लॉग ये एम हो गया, एम यानी एक, और ये लॉग एन हो गया, ठीक है, लॉग एन हो गया, यहाँ पे एन यानी 10^-4 और ये आधार 10 में है, तो ये दोनों में आधार 10 रहेगा ही लाख के नीचे, ओके। अब देखिए यहां तो इसका तो मान क्लियर हो गया, अब इसका कोई फार्मूला नहीं है, ओके। और देखिए लाख एक आधार 10 का हम लोग में मतलब क्वेश्चन में ये मान दिया है, ठीक है, कि जहां लाख एक आधार 10 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में ही हम लोग का मान दिया है, तो यहां हम इसका जगह 0 पुटअप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए हम लोग का यहां एक फंसता है, देखिए लाख 10^-4 हो जाता है, आधार 10 हो जाता है। तो फिर आप लोगों ने 9वीं कक्षा में एक फार्मूला पढ़ा होगा लाख एम घात एन का, ठीक है, लाख एम घात एन का, ओके। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एन ये लॉग एम घाते एन होता है, जो एन होता है वो पहले चले जाता है, मतलब क्या होता है उसका फार्मूला लॉग एम घाते एन का एन लॉग एम होता है। तो उस फार्मूले पे इसको तोड़ेंगे, तो उस फार्मूले पे हम तोड़ेंगे, तो देखिए इसका तो 0 हो गया, ठीक है, और ये माइनस का माइनस है और कोष्ट में ये 0 इसका मान हो गया और ये प्लस का प्लस। अब देखिए इसको हम लॉग एम घाते एन है तो एन पहले चले आता है, ठीक है, तो यानी ये -4 हम लोग का पहले चले आएगा फार्मूले के अनुसार लॉग एम घाते एन के, ठीक है। तो माइनस यहां आगे आ गया और लॉग ये 10 और ये आधार 10 है, ये है, तो ये 10 रहेगा ही, ओके। लेकिन हम लोग को लाग 10 आधार 10 का मान दिया है, क्या दिया है, लाग 10 आधार 10 का मान 1 दिया है। तो देखिए अगर आप इसका मतलब मान हम रखते हैं तो 1 हो जाएगा, तो 1 × -4 होगा, तो माइनस क्या होगा, 4 ही होगा, और -4 और उसमें 0 जुटेगा तो -4 ही होगा, और उसके बाद फिर ये बड़ा वाला कुछ टूट जाएगा, तो यहाँ माइनस और बीच में ये -4 ही है ही, तो +4 हम लोग का यहाँ आंसर आ जाएगा, ओके। तो चलिए ये हम लोग का ये माइनस हो गया और कोष्ट में देखिए 0 प्लस, मैं एक एक चीज़ें तोड़कर आपको बता रहा हूँ, प्लस अब देखिए ये -4 है और इसका मान हम लोग का दिया है 1, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया है, तो गुणे 1 हो जाएगा। अब इसमें से गुणा करेंगे हम लोग तो क्या होगा, -4 ही होगा और उसमें 0 जोड़ेंगे तो -4 ही होगा, यानी ये माइनस का माइनस और अंदर हम लोग कोष्ट में -4 बचा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कोष्ट खटेगा, तो गुणा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू 4 यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग का क्या हुआ कि हम लोग का देखिए पीएच मान 7 से कम आ रहा है, तो 7 से कम आ रहा है तो हम जानते हैं कि वो क्या होता है कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, तो अम्लीय हो गया, या हम नीचे लिख सकते हैं कि चूंकि इसका पीएच मान 7 से कम है इसलिए यह क्या होगा कि अम्लीय होगा, ओके। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन एक इस प्रकार से पूछ देता है कि 1 बिलियन का पीएच मान 4 है, बिलियन में एच प्लस आयनों की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए उसमें हम लोग सांद्रता दिया था और सांद्रता से पीएच मान बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, लेकिन इसमें क्या किया है कि पीएच मान दे दिया और उससे हमको मतलब सांद्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बता दूं, देखिए एक ऊपर वाले टाइप का और एक इस टाइप का और एक और टाइप होता है, यही तीन टाइप का आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है। देखिए एक आप लोग याद रखिएगा पीएच प्लस पी ओ एच, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये भी फार्मूला बताया था, सभी फार्मूला पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था, लेकिन आप लोग फिर एक बार देख ले। देखिए पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 होता है। अब देखिए कहीं कहीं देगा कि मतलब किसी का पी एच मान लीजिए 5 है, ठीक है, उसका पी ओ एच ज्ञात कीजिए, ठीक है, मतलब पी एच क्या है 5 है, यानी एच प्लस आयन मतलब है उसका मतलब पी एच मान 5 है तो उसका पी ओ एच ज्ञात कीजिए। तो इस फार्मूले पर पी एच का स्थान पर 5 रख देंगे और पक्षांतर इसको उधर लेते जाएंगे तो -5 हो जाएगा, यानी इस पी ओ एच का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो एक ही प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ये नॉर्मल है, तो इसलिए मैंने इसको इसमें नहीं लिया है। चलिए अब ये जो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है इसे देखते हैं। 1 बिलियन का पीएच मान 4 है, बिलियन में एच प्लस आयनों की सांद्रता ज्ञात कीजिए, ओके। तो हम देखिए उसी फार्मूले पर लगाएंगे, देखिए पीएच मान इक्वल टू हम जानते हैं कि माइनस लॉग एच प्लस आधार 10 होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पीएच मान इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आधार 10 होता है। अब यहां एक्स मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ऊपर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, अब सीधे मैं एच प्लस लिख दे रहा हूं, ओके। अब देखिए चूंकि हम लोग का पीएच मान दे दिया, पीएच मान 4 दिया, एच प्लस आयनों की सांद्रता पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन ऊपर था क्वेश्चन में कि हमें एच प्लस आयनों का जो मान है यानी इसकी सांद्रता दे दिया था, हमें पीएच मान पूछ रहा था, इसमें सेम टू उल्टा पूछ रहा है। तो चलिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए 4 को इधर हम रख दिए, पीएच मान हम लोग का दिया है 4, तो पीएच मान की जगह हमने 4 रख दिया, इक्वल टू ये माइनस लॉग एच प्लस आधार 10 उसी तरह मैंने रहने दिया। अब देखिए इस पक्ष को उधर और इस 4 को उधर, यानी दोनों पक्ष को हम इधर का उधर करेंगे तो कोई चीज नहीं बदलेगा, क्योंकि इसको उधर लाए और इसको उधर
अधर लाए तो कोई चीज मतलब नहीं बदलेगा। तो चलिए माइनस लॉग एच प्लस आधार 10 इक्वल टू ये 4 हो गया, मतलब इधर का उधर, उधर का उधर हो गया, तो कोई चीज नहीं बदलेगा, आप लोग आई होप जानते होंगे। ओके चलिए अब चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अब लॉग एच प्लस आधार 10 इक्वल टू माइनस 4 हो गया, कैसे हो गया, तो देखिए हम दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे। अगर दोनों तरफ हम माइनस से गुणा कर देते हैं तो हमें मान में मतलब कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इधर माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, इसको एक फार्मूले के रूप में बनाने के लिए इस माइनस को हटा दिए, ठीक है, और इधर माइनस हो जाए तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक। अब चलिए अब हम लोग देखिए इसको हम ये लॉग के रूप में हो गया, ठीक है, अब ये लॉग के रूप में हो गया तो हम इसको आसानी से क्या करेंगे कि घात के रूप में बदल देंगे। आप लोगों ने नवी कक्षाएं पढ़ा होगा कि लॉग को घात के रूप में बदलना, घात को लॉग के रूप में बदलना। तो जैसे अब मैं आपको यहां एक समझा देता हूं, देखिए मान लीजिए हम लोग का कोई मान दिया हुआ है, जैसे हम लोग का दिया हुआ है लॉग 100 आधार 10 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ये तो हम लोग का लॉगरिथम के रूप में है, लॉग के रूप में है, इसको बोले कि आप घात के रूप में बदलिए। तो आप लोगों ने नवी कक्षा में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, कि घात के रूप में क्या होता है कि यही इसके घात पे आ जाता है और ये 100 उधर चला जाता है, यानी ये 10 और घात ये इधर 2 आ जाता है और ये जो है, ठीक है, उधर चला जाता है, ठीक है, इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह सेम टू सेम यहाँ भी हो जाएगा। देखिए ये क्या होगा, ये घात ये 10 घाते माइनस 4 आ जाएगी और ये एच प्लस उधर चला जाएगा, ठीक है। तो सेम वहाँ देखिए वही यही हुआ है, इसको घात के रूप में बदल दिया गया है, ये 4 इधर आकर 10 घाते माइनस 4 हो गया इसी के ऊपर और ये जो एच प्लस है उधर चला गया है, यानी एच प्लस इक्वल टू हम लोग का 10 घाते माइनस 4, यानी हम लोग इधर का उधर कर सकते हैं, मतलब इस वाले पक्ष को उधर और इस वाले पक्ष को इधर, कोई चीज़ नहीं परिवर्तन होगा अगर दोनों तरफ का हम पक्ष बदलते हैं तो, ठीक है। तो h प्लस इक्वल टू 10 कहते माइनस 4 लिख सकते हैं, इसको हमने उधर ले लिया और इसको इधर ले लिया, ओके। तो h प्लस इक्वल टू 10 कहते माइनस 4 हो गया, और 10 कहते माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻¹, या फिर हम लोग इसको 1.0 × 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने सेम वही हमने ऊपर वाला ही क्वेश्चन लिया जिसका पीएच मान 4 था, तो इसी को लेकर एक ये सवाल बताया था कि आपको जो जो विलयनों की हमने मतलब यहाँ एच प्लस आयनों की सांद्रता थी 1 × 10⁻¹, वही निकाल कर यहाँ प्रूफ भी करा दूँ। तो यहाँ आपको प्रूफ भी हो गया, यहाँ सेम टू सेम यहाँ प्रूफ भी होगा, वही सेम टू सेम आंसर आया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो थैंक यू।